हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल हैप्पी सीडलिंग्स में। आज है अक्टूबर की 30 तारीख और आप जो ये सामने पौधा देख रहे हैं इसे यूफोर्बिया मिली कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी है क्राउन ऑफ थ्रोन्स, क्योंकि काफ़ी सारे कांटे हैं इसमें, देख सकते हैं। तो इसकी आजकल नर्सरीज़ में काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं। इसकी एक ड्वार्फ वेराइटी भी आती है और इसके फ्लावर्स के काफ़ी सारे कलर्स भी आपको देखने को इस टाइम पर नर्सरी में मिल जाएंगे। इसके जो फ्लावर्स हैं ये टिप्स पर बंचेस में आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये एक कैक्टस जैसा दिखने वाला सक्यूलेंट प्लांट है। इन्हें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके स्टेम्स में और लीव्स में पानी जमा होता है। तो अभी जो है इनका फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। विंटर्स में ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। ये एक पेरेनियल पौधा है, यानी कि साल भर आपके गार्डन में ये बना रहता है। इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फ्लावरिंग सीजन से पहले इसे फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अपने इस प्लांट पर बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र दे देंगे जिससे कि पूरे सीज़न इसमें बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने गमले की मिट्टी की बहुत ही अच्छे से गुड़ाई करनी है। इस पौधे के साथ काम करते हुए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और ये कांटे थोड़े पॉइजनस भी होते हैं। तो अगर आपके पास पेट्स हैं या बच्चे हैं तो उन्हें इस प्लांट से दूर रखें। मैंने यहाँ पर अच्छे से गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने से ऊपर ऊपर के जो छोटे छोटे रूट्स हैं उनकी भी प्रूनिंग हो जाती है और अच्छी तरह से ये खाद से जो न्यूट्रिशंस हैं वो ले पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्लव्स पहन लिया है क्योंकि मुझे इनके कांटों से थोड़ा डर लगता है, कहीं ये चुभ ना जाए। तो अब मैं ऊपर ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटा रही हूँ। लगभग मैं 2 से 3 इंच की मिट्टी ऊपर से हटा दूँगी और उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो ये जो ब्रांच है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये अलग से निकला हुआ है और प्लांट के लुक को ख़राब कर रहा है। तो मैं इसे कट करके निकाल देती हूँ और ये जो कटिंग वाला भाग है इसे आप ग्रो भी कर सकते हैं। इसे आप सबसे पहले 2 दिन तक सुखाने के लिए रख दीजिए क्योंकि इसमें वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है वो सैप है और ये जब सूख जाएगा उसके बाद आप इसे सैंडी सॉइल में लगा सकते हैं। तो साथ ही इसके पॉटिंग मिक्सचर के बारे में भी बात कर लेते हैं। 60% के करीब आपको लेना है गार्डन सॉइल, 20% के करीब आपको लेना है रिवर सैंड यानी रेत, 10% के करीब आप इसमें डाल सकते हैं राइस हस्क। अगर राइस हस्क नहीं है तो आप कोकोपीट का यूज़ भी कर सकते हैं और 10% के करीब आप इसमें डाल सकते हैं कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट जो भी आपके पास है, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट। तो ऊपर से 2 से 3 इंच की मिट्टी हमने हटा दी है। इसके बाद सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 से 3 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट। तो साथ ही साथ बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो 3 से 5 घंटे की धूप भी इनके लिए सफिशियंट है, ना ही इनको बहुत कम धूप पसंद होती है और ना ही बहुत ज़्यादा। तो 3 से 5 घंटे की धूप में अगर आप इन्हें रखते हैं तो आपको अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अब 2 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ बोन मील। अगर आप बोन मील का यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पर रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं। बोन मील में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम DAP के कुछ ग्रेनुअल्स डाल देंगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है। मेरा जो गमला है वो 10 इंच का है तो मैं 1/2 टीस्पून के करीब ले रही हूँ। और ये है सीवीड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इसे भी हमें 1/2 टीस्पून के करीब लेना है। अब जो मिट्टी हमने गमले से बाहर निकाली है उसे हम अच्छी तरह से गमले में फिल कर देंगे। आप चाहें तो नई मिट्टी भी डाल सकते हैं। सब कंप्लीट हो जाने के बाद हमें बहुत अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देनी है। तो इसका अपडेट मैं आपको आगे की वीडियोस में देती रहूँगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग में व्यस्त रहिए। बाय।